guess I just wanna go, go, go to the deep end. जी हाँ, नोकिया। हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज नोकिया ने इंडिया में अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये है नोकिया का 2.4, मतलब एक ही स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च किया है और ये भी आपको एक ही वेरिएंट में मिलेगा, 3GB की रैम और 64GB की स्टोरेज। प्राइस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है 10,000 से 13,000 के बीच में होगा। अगर 10,000 के नीचे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन प्राइस मुझे लगता है 10 के ऊपर ही होगी हमेशा की तरह। खैर, ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोग को मैं नोकिया 2.4 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो बॉक्स देखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके का है। और अक्सर नोकिया के फोन्स के बॉक्स ना काफी पतले से और चौड़े से होते हैं। 2.4 ऊपर की तरफ लिखा है और यहां पर लिखा है 2 ईयर्स एंड्रॉइड अपग्रेड्स। देखिए दोस्तों, मानो या ना मानो, नोकिया सबसे आगे है अपडेट्स पुश करने में, तो ये आप डिनाई नहीं कर सकते। और पीछे की तरफ देखेंगे, यहां पर सारी हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है। और यहां पर दोस्तों उन्होंने इंडियन एड्रेस भी दिया है मैन्युफैक्चरिंग का, और मेड इन इंडिया है, तो उस मामले में आपको टेंशन नहीं होगा। और नीचे की तरफ आप देखेंगे, यहां पर जो कलर हमारे पास है वो चारकोल ग्रे है। आपको और भी कलर्स इसमें देखने को मिलेंगे, तो इसको हम पहले यहां से ओपन कर लेते हैं। ये एक यहां से गया, ठीक है, और यहां से इसको फटाफट से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें फोन ही मिल रहा है, इसको यहां से निकाल लेते हैं। क्या बात है, ओहो, तो ऑब्वियसली आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, नोकिया की ब्रांडिंग यहाँ पर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और कैमरे का बम तो बिल्कुल भी नहीं है, डुअल कैमरा आपको मिल रहा है, एलईडी फ्लैश है। और जो एजेस है ना दोस्तों, इसके थोड़े अलग ही है, मतलब ऐसा फ्लैट दिया उन्होंने, तो थोड़ा होल्ड करने में अलग ही फील आ रहा है यहाँ पर। और साथ में ये आपको 189 ग्राम्स का मिलता है, 8.7mm की थिकनेस पर है, तो थोड़ा सा बल्कि थोड़ा सा चौड़ा है, इतना भी ज्यादा नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों फिजिकल की बात करें तो नीचे आप देखेंगे आपको सिंगल माइक कॉल मिल रहा है, आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, और ये सारे फोन्स में अब नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे ऐसा लगता है, टाइप सी यहां पर देना चाहिए था। आपको स्पीकर मिलता है, लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको यहां पर डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है, ऊपर आपको सिम ट्रे मिलता है जहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलेगा, और राइट साइड में पावर बटन वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, और ऊपर की तरफ 3.5mm जैक है, और थैंकफुली आपको सेकेंडरी माइक मिलता है, तो डुअल माइक दिया है इसमें नॉइस कैंसिलेशन के लिए, तो अच्छी चीज उन्होंने यहां पर दी है। और सामने देखेंगे तो नोकिया की ब्रांडिंग भी आपको नीचे की तरफ मिलती है, तो कुछ इस तरीके का दोस्तों। इसको रखते फिलहाल के लिए साइड में, देखते आपको बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले आपको बहुत ही स्टैंडर्ड, और मुझे लगता है शायद 5 वोल्ट का होगा, जी हाँ, तो ये 5 वोल्ट का आपको चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया है, तो चार्ज करने में काफी समय लगेगा। और ये माइक्रो यूएसबी केबल आपको मिल रहा है, सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर लगी है, आपको साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस उन्होंने यहाँ पर दे दिया है, और एक उन्होंने हल्का फुल्का सा आपको बैक केस दिया है जो कुछ इस तरीके का है। तो यही है दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट, सीधे हम आते हैं हमारे फोन की तरफ। अब फोन की तरफ आते हैं, सबसे पहले अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो दोस्तों आपको ऑब्वियसली स्टॉक एक्सपीरियंस मिलता है, और 2 साल तक उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आपको वो अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। यहां पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमें पता है अपडेट्स के मामले में नोकिया सबसे नंबर वन है, जो भी सर्वे हुआ है और जो भी रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक, तो यहां पर अपडेट्स में आपको कोई इशू नहीं होगा, सब कुछ आपको यहां पर काफी बढ़िया मिलेगा। और ऑब्वियसली दोस्तों एक्सपीरियंस उस मामले में आपका काफी कमाल का होगा, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई एड्स नहीं है, कुछ भी ऐसी फालतू चीज नहीं है, तो यहां पर आपको बहुत ही मजा आएगा। कनेक्टिविटी की बात करूं, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, आपको इसमें वाईफाई सिंगल बैंड मिलता है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग वगैरह दिया है, जीपीएस, ग्लोनास, और वो सारे इंपॉर्टेंट जो कनेक्टिविटी वाले फीचर्स है वो सब कुछ आपको मिलता है। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करूं तो मुझे पता ही नहीं है, इसमें शायद लगता है परफॉर्मेंस के हिसाब से बोलूं तो LPDDR4 लग रहा है रैम, और स्टोरेज eMMC 5.1 है, तो यही मुझे लग रहा है। लेकिन नॉर्मली दोस्तों ऑनेस्टली कहूं, डे टू डे लाइफ में यूज कर रहा हूं तो ऐसे कोई मेजर लैग स्टटर नहीं मिल रहा है, नॉर्मल है, अच्छे से चल जाता है, तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों कुछ सेंसर्स की बात करूं तो आपको इसमें नॉर्मली तो सारे सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन आपको जायरोस्कोपिक का सपोर्ट नहीं मिलता है। जी हां, ऑब्वियसली प्रोसेसर इतना केपेबल नहीं है, तो वो चीज आपको यहां पर नहीं मिलती है। और हां, एफएम रेडियो वगैरह आपको मिलता है, तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो वो भी आपको यहां पर मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों मिलता है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा और अंदर की साइड होता तो इजी पड़ता था, लेकिन पोजीशनिंग अच्छी है, मैं आपको दिखा देता हूं टेस्ट करके। देखेंगे, टैप किया ओपन हो गया, फिर से आपको दिखाता हूँ, टैप किया ओपन हो गया तो फास्ट है, और फेस अनलॉक भी दिखा दूँ तो ये खुल जा भाई, ए, 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 नहीं खुला फर्स्ट टाइम में। और आप माय गॉड, एक बार और, दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, अब खुल गया। अब ऑडियो की भी टेस्टिंग कर लेते हैं, आपको सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की साइड, फुल वॉल्यूम है क्या,
बहुत बहुत लो ऑडियो है दोस्तों, ऑडियो स्पीकर से इतना ज्यादा नहीं है, बेस भी ठीक है, तो खैर लेकिन 3.5 एम जैक है तो उसमें मुझे ठीक लगा ऑडियो, वहां पर कोई इशू नहीं था, लेकिन स्पीकर से आपको इतना ज्यादा आवाज नहीं मिलेगा। अब डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों, आपको यहां पर बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस की, जी हां एक IPS डिस्प्ले, और 20:9 आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, और डिस्प्ले पर कौन सी प्रोटेक्शन है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन लगता है शायद गोरिल्ला ग्लास 3 हो सकता है। अब जो डिस्प्ले है दोस्तों, प्राइस के हिसाब से अगर ये 10,000 के ऊपर चला जाता है तो एटलीस्ट फुल HD प्लस होनी चाहिए थी जहां तक मुझे लगता है। और ऑनेस्टली दोस्तों डिस्प्ले भी ऐसा कोई एक्सीलेंट नहीं है, मतलब वीवी एंगल्स ठीक है, मतलब मैं ऐसे देखूंगा तो थोड़ा डल हो जाता है, सामने से एकदम क्लियर दिखता है। हाउएवर ये एक IPS डिस्प्ले उसके बाद भी, और आउटडोर विजिबिलिटी भी ठीक था, तो वहां पर भी मुझे कोई इतना ज्यादा मजा नहीं आया। तो इंडोर में अगर आप यूज करते, सामने से ऐसे वीडियोस वगैरह देखते तो वहां तक ठीक है। तो डिस्प्ले दोस्तों आपको ठीक मिलता है, कुछ ऐसे ही मेरा एक्सपीरियंस यहां पर हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, Helio P22 बहुत पुराना प्रोसेसर है, काफी सारे फोन्स में मिल रहा है दोस्तों, और मैं ऑनेस्टली कहूं डे टू डे लाइफ में ठीक है, उससे ज्यादा आप इसमें और कुछ मत करिएगा, मतलब नॉर्मल कैजुअल गेम्स भी खेले तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़े कॉल ऑफ ड्यूटी या दूसरे अगर आप गेम ट्राई करने की कोशिश करते जो हाई ग्राफिक्स वाले, तो वो बिल्कुल भी मत करना। तो गेमिंग के लिए प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं बनाया, दूसरे टास्क परफॉर्म करिए, चैट वगैरह करिए, सोशल मीडिया यूज करिए, यूट्यूब पर वीडियोज देखिए, तो वहां तक ही ठीक है। परफॉर्मेंस के मामले में मैं गेमिंग के लिए बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अब बैटरी की बात करूं दोस्तों, तो बैटरी इसमें आपको 4,500 mAh की मिलती है, ये चीज मुझे यहां पर इसकी अच्छी लगी, और ऑनेस्टली बैटरी बैकअप इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो ये चीज आपको यहां पर अच्छी मिलती है, तो बैटरी का कमाल इसमें बहुत अच्छा है। स्टॉक एक्सपीरियंस मिलाकर मैं बोल रहा हूं, तो कोई फालतू का बैकग्राउंड में ऐप नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, तो वहां पर आपको अच्छा बैकअप यहां पर मिलेगा। लेकिन 5W चार्जर दिया बॉक्स में, लंबा समय लग जाएगा इसको चार्ज करने के लिए, कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं है इसमें, तो वहां पर चार्जिंग करने के लिए ना आपको काफी ज्यादा वक्त लगेगा। अब फाइनली कैमरे की बात करूं दोस्तों, तो पीछे आपको डुअल कैमरा मिलता है 13 और 2 MP का, LED फ्लैश वगैरह दी गई है, मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, वैसे आपको EIS वगैरह नहीं मिलता है, थोड़े बहुत AI पोर्ट्रेट वाले फीचर्स उन्होंने दिया है, और रियर में आपको नाइट मोड वगैरह भी मिलता है, तो ठीक है। और सेल्फी दोस्तों आपको सिर्फ 5 MP की मिलती है, यहां पर भी पोर्ट्रेट वगैरह उन्होंने दिया है, और इसके अंदर भी आपको मैक्स फुल HD वीडियो शूट करने मिलता है, EIS वगैरह यहां नहीं मिलता है, तो कुछ यही सीन सामने भी है। अब कैमरे के सैंपल्स देखते हैं दोस्तों, रियर कैमरा दिन की अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टली मैं सरप्राइज हो गया, वैसे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छे फोटोस आए दोस्तों, डिसेंट है, डायनामिक रेंज भी अच्छे, शार्प है, और बुके शॉट्स भी देखेंगे वो भी आपको यहां पर अच्छा मिल रहा है, तो कुछ हद तक दोस्तों इसने अच्छा काम किया कैमरे के डिपार्टमेंट में, अगर दिन में आप फोटोस लेते हैं। साथ में अगर वीडियो की बात करूं तो आपको EIS नहीं मिलता है बिल्कुल भी, तो आपको बहुत ही शेकी वीडियो मिलेगा, और नॉर्मल वीडियो देखेंगे तो वो यहां पर ठीक निकल कर आया है, तो उसकी क्वालिटी कुछ वैसी है, और ऑटो फोकसिंग में भी थोड़ा थोड़ा इशू है, तो वीडियो के मामले में दोस्तों इतना खास कुछ मजा नहीं आया मुझे। और सेल्फी की बात करूं तो क्लिक करने से पहले मैंने हार मान लिया था, लेकिन नहीं, क्लिक करने के बाद मुझे अच्छे फोटोस मिले, शार्प थे, बुके भी अच्छा था, लेकिन डायनामिक रेंज में कहीं कहीं ये मार खा रहा था, तो बस यही एक इशू था, बाकी ओवरऑल सेल्फी में भी ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने अच्छा किया है। और सेल्फी वीडियो की बात करूं तो बहुत ज्यादा ब्राइट था, और डायनामिक रेंज बैकग्राउंड में बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया, और बिल्कुल भी आपको EIS नहीं मिलता है, तो उसमें आपको वहां पर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। नाइट की बात करूं दोस्तों, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, सीरियसली कहता हूं, इससे बुरे फोटोस मैंने नाइट में कोई भी फोन में नहीं देखे, रियर कैमरे से अगर आप देखोगे तो मतलब नाइट मोड लगाकर मैं देख रहा हूं, इतने सड़ेले फोटोज निकल कर आया कि मैं कुछ वैसे बोलूंगा, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको ऑप्टिमाइज करना चाहिए और नाइट फोटोज को इंप्रूव करना चाहिए। अगर आपने डेडिकेटेड नाइट मोड दिया है रियर के अंदर तो काम करिए भाई, थोड़ा इंप्रूव करिए, क्योंकि बिल्कुल भी मजा नहीं आया, और सेल्फी में तो गलती से भी मत निकालना। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, देखिए दोस्तों मैं क्या ही बोलूं आपको, ठीक है दोस्तों फोन नोकिया जो है वो प्राइस फोन की उनकी हमेशा से ज्यादा होती है, अब ये भी पता नहीं क्या प्राइस पर होगा, 10,000 से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, और सॉफ्टवेयर अच्छा होता है उनका, बाकी कैमरा भी ठीक होता है, और बैटरी उनकी अच्छी होती है, ये तीन चीज में हम डिनाई नहीं कर सकते, बाकी के ओवरऑल चीजें देखोगे तो उसमें इतना मजा नहीं आया मुझे इस फोन के अंदर। तो बहुत सारे लोग लेते हैं, नोकिया की ब्रांड वैल्यू है और ये सब चीज ध्यान में रखकर तो लोगों को पसंद आता है तो लोग लेते हैं, बाकी फिलहाल के लिए अगर देखिए प्राइस ज्यादा हो जाती तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, प्राइस अगर 10,000 के आसपास या उसके नीचे होती तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा रेकमेंड भी कर सकता हूं उन लोगों के लिए जिनको इधर उधर के फोन नहीं चाहिए, चाइनीज वाले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ही था इस वीडियो के अंदर, आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आएगा लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।